नमस्कार भाइयों, वेलकम आप सभी का। तो भाइयों, आज हम मैच कवर करेंगे 58वां आईपीएल मुकाबला जो खेले जाने वाला है पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में। दोस्तों, मुकाबला 9 मई को खेला जाएगा। 7:30 पर मैच स्टार्ट होने वाला है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला की पिच पर। तो दोस्तों, आज के मैच में हमारी फैंटेसी टीम किस प्रकार से हो सकती है, कौन से खिलाड़ी को दोस्तों हम कैप्टन लगा के चल सकते हैं, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों हमारी टीम में सेफ वॉइस कैप्टन हो सकता है, और आज के मैच में दोस्तों हम स्पेशल या फिर यूनिक ग्रैंड लीग टीम के साथ साथ दोस्तों एक आसान ग्रैंड लीग टीम बनाएंगे। आसान ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों थोड़ा सा हम रिस्क भी लेके चलेंगे, थोड़ा सा सेफ तरफ भी चलेंगे, प्लस में एक दो ट्रंप कार्ड खिलाड़ी भी यूज करेंगे जो दोस्तों इस पिच पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। तो किस प्रकार से दोस्तों आज के मैच की हमारी फैंटेसी टीम बन सकती है, कौन से खिलाड़ी को दोस्तों हमें कप्तान और वॉइस कप्तान लगा के चलना है, अगर पंजाब की तरफ से बात करें तो जोनी बेस्टो है, उसके साथ साथ दोस्तों रायली रूशफ है, सैम करन है, शशांक सिंह है, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा, हर्षल पटेल बॉलिंग में और यहां से अर्शदीप सिंह कौन सा बॉलर दोस्तों सबसे ज्यादा विकेट लेके जाएगा, अगर यहां से आरसीबी की तरफ से बात करें तो डुप्लेसी, विराट कोहली, विल जैक्स, कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल कौन सा खिलाड़ी दोस्तों आज के मैच में आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करने वाला है जिसको हम अपनी ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन लगा के चल सकें। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है, और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं एक पूरा जबरदस्त ऑफर, शानदार ऑफर है दोस्तों, आपको पूरी फैंटेसी की दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब आपको मिल सकते हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट, वो भी दोस्तों 1 रुपए में। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट, वो भी 1 रुपए में। कैसे ज्वाइन करना है, कैसे खेलना है, वो आपको आगे पता लग जाएगा। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला की जो पिच है वो कैसी है, बैटिंग पिच है या फिर दोस्तों यहां पर बॉलिंग ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि पिच दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रीसेंट के मैचों के हिसाब से बात करें तो पिच का जो एवरेज स्कोर देखने को मिलता है उससे कहीं ज्यादा रन देखने को मिल ही जाते हैं। अगर पिच का एवरेज स्कोर 170 का है तो एवरेज स्कोर दोस्तों 220-230 के करीब आराम से देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी रीसेंट के मैचों की बात करें तो इतना हाई स्कोर दोस्तों देखने को नहीं मिला है। यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए भी इतना बड़ा स्कोर नहीं किया, पंजाब की टीम भी पहले बैटिंग करते हुए इतना बड़ा स्कोर नहीं करती। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर मुंबई इंडियंस की तो उसका भी इतना बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो एवरेज स्कोर है, अब जो पिच का एवरेज स्कोर है उसी के अनुमानित दोस्तों पिच का एवरेज स्कोर हमें देखने को मिल ही जाता है। तो बात करेंगे पिच के बारे में, पिच दोस्तों बैटिंग पिच है। टोटल इस पिच पर 12 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं। जो टीम दोस्तों यहां पर पहले बैटिंग करती है उसके थोड़े से विनिंग चांसेस ज्यादा हैं, चेस करने वाली से 20% ज्यादा चांसेस देखने को मिल सकते हैं। 5 मुकाबले जो टीम बाद में बैटिंग करती है उस टीम ने जीते हुए हैं। अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो यहां पर दोस्तों जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसका एवरेज स्कोर लगभग 176 के करीब देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा स्कोर दोस्तों यहां पर पंजाब की टीम ने बनाया हुआ है। सिंपल सी बात है, पंजाब का होम ग्राउंड है तो पंजाब का दोस्तों हाई स्कोरिंग इस पिच पर देखने को मिल ही जाएगा। तो पंजाब की टीम ने दोस्तों यहां पर 232 रन बनाए हुए हैं। सबसे कम स्कोर भी दोस्तों पंजाब का है, ओनली 116 रन पे ऑल आउट है। बात करें अगर बॉलिंग के बारे में, लास्ट के जो 5 मैचेस यहां पर खेले गए हैं उसमें दोस्तों पेसर्स को 41 विकेट मिली है, स्पिनर्स को दोस्तों 13 विकेट मिली है। यानी कि दोस्तों पिच के कंडीशन के हिसाब से बात करें तो पेसर्स भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। अगर स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स में दोस्तों यहां से राहुल चहर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, प्लस में दोस्तों यहां से आप ग्लेन मैक्सवेल को भी पिक करके चल सकते हो क्योंकि दोनों को इस पिच पर काफी हद तक हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो 150 से नीचे 2 बार स्कोर है, 150-170 के बीच में 1 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में 5 बार स्कोर है, 190 से ऊपर यहां पर दोस्तों टोटल 4 बार स्कोर देखने को मिला है। तो पिच की कंडीशन तो दोस्तों आपको सिंपल समझ में आ गई होगी कि पिच की कंडीशन कुछ किस प्रकार से रहेगी। तो यहां पर दोस्तों बॉलिंग की बात करें तो पेसर्स को हेल्प मिलने वाली है। अगर स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स वही दोस्तों 2 से 3 विकेट या फिर मैक्सिमम 4 विकेट यहां पर लेके जाएंगे। बैटिंग ऑर्डर के लिए काफी अच्छी पिच है, बैटिंग ऑर्डर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। प्लस में दोस्तों रीसेंट के मैचों के बारे में बात करें तो रीसेंट 2024 में एक ही आईपीएल मुकाबला खेला गया था सीएसके वर्सेस पंजाब के बीच में। इस मैच में दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए सीएसके की टीम ने 167 रन का टारगेट रख दिया था, बहुत ही
लो स्कोर था, लेकिन पंजाब की टीम चेस नहीं कर पाई थी, जिसमें दोस्तों स्पिनर्स ने तबाही मचाई थी 7 विकेटों के साथ। उसके साथ 11 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स ने निकाली थी। उसके बाद 2023 में आईपीएल मुकाबला खेला गया था पंजाब और राजस्थान के बीच में, जिसमें 2 विकेट स्पिनर्स को, 9 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स को मिली थी। उसके बाद 2023 में एक मैच है आईपीएल का दिल्ली और यहां से पंजाब के बीच में, जिसमें 1 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 7 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स को मिली थी। यानी कि अगर इन तीनों फॉर्मेट के हिसाब से बात करें, तीनों मैचों के हिसाब से बात करें, तो यहां पर दोस्तों ये जो दो मुकाबले हैं 2023 के, इसमें स्पिनर्स के लिए कुछ भी हेल्प नहीं है। लेकिन जो ये एक मुकाबला अभी रिसेंट में खेला गया है, इसमें दोस्तों स्पिनर्स ने 7 विकेटें निकाली है, बाकी पेसर्स ने भी काफी खतरनाक परफॉर्मेंस किया है। पहले बैटिंग करते हुए सीएसके की टीम ने 167 रन का टारगेट रखा था, लेकिन पंजाब की टीम इतने छोटे लक्ष्य को चेस नहीं कर पाई थी। यानी कि दोस्तों अगर बाद में इस पिच पर दोबारा से बैटिंग करती है पंजाब की टीम, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुश्किलें देखने को मिल ही जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हम 5 मेगा कॉन्टेस्ट, वो भी 1 रुपए में। तो 9 मई को जो मुकाबला खेले जाने वाला है पंजाब और आरसीबी के बीच में, मैच से पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही डाउनलोड कर लेना माई 11 सर्कल एप्लीकेशन, क्योंकि यहां पे दोस्तों आपको मिलेंगे ढेरों आकर्षक इनाम, और इसके साथ साथ आप ज्वाइन कर सकते हो 1 रुपए में दोस्तों 5 मेगा कॉन्टेस्ट, और यहां पर मिनिमम फर्स्ट प्राइज आपको 1 करोड़ का देखने को मिलेगा। और यही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत ही आकर्षक इनाम देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहां पर अगर आपने पहली बार डिपॉजिट किया, यानी कि 100 रुपए अगर लगाए हैं, 100 रुपए अपने यहां पर माई 11 सर्कल वॉलेट में डाले हैं, तो आपको सिंपल 20% एक्स्ट्रा, मतलब 20 रुपए एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 120 हो जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों ऑफर भी आपको दिखा देता हूं, 200 अगर आप यहां पर डालोगे तो 240 है, 500 डालोगे तो 600, 1000 डालोगे तो 1200, इसके साथ साथ 1500 रुपए का वेलकम बोनस भी दे रही है माई 11 सर्कल एप्लीकेशन। काफी शानदार एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है टाटा आईपीएल 2024 में। तो दोस्तों यहां पर खेलो आप दबा के और प्रॉफिट बनाओ बिल्कुल यहां से, क्योंकि इस एप्लीकेशन पे दोस्तों आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी यहां पर बात देखने को मिलती है। यानी कि दोस्तों मैं अदर जैसे एप्लीकेशन पे खेलता हूं 200 रुपए, 1000 रुपए जितने भी मैंने इन्वेस्ट किए हैं, अगर वहां पे हार रहा हूं तो इस एप्लीकेशन पे आराम से प्रॉफिट निकलता है मेरा, इसीलिए बोल रहा हूं काफी बढ़िया एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड के रिकॉर्ड के अनुसार कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है। हेड टू हेड के लास्ट के 10 मुकाबलों के बारे में बात करें तो पंजाब की टीम ने 5 मुकाबले विन किए हुए हैं, आरसीबी की टीम ने भी दोस्तों 5 मुकाबले हेड टू हेड में जीते हुए हैं। अगर रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें कि रिसेंट में कौन सी टीम किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रही है, तो आरसीबी की टीम दोस्तों यहां से रिसेंट में बहुत ही खतरनाक बैटिंग कर रही है, कंटिन्यू 3 मुकाबले इस टीम ने विन किए हुए हैं, और कहीं दोस्तों ये भी देखने को मिल रहा था कि कंटिन्यू 5 मुकाबले आरसीबी की टीम हार चुकी है। अगर बात करें पंजाब की तरफ से, तो पंजाब की टीम ने रिसेंट के 5 में से 2 मुकाबले विन किए हुए हैं, रिसेंट वाला मैच हार के आ रही है चेन्नई के साथ। लेकिन दोस्तों रिसेंट प्लस हेड टू हेड के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो हेड टू हेड में दोस्तों दोनों टीमें 50-50 है, लेकिन रिसेंट की बात करें तो रिसेंट में दोस्तों आरसीबी की टीम बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रही है, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग हो रही है। तो आज के मैच में दोस्तों हम फिर से आरसीबी की तरफ से कॉम्बिनेशन जरूर बना के चलेंगे। बात कर लेते हैं फाइनल प्लेइंग 11 के हिसाब से कौन सा खिलाड़ी कहां पे बैटिंग करेगा। ओपनिंग बैट्समैन जॉनी बेस्टो, उसके साथ प्रभास इमरान सिंह, रायली ऋषभ, उसके साथ दोस्तों शशांक सिंह, सैम करन, जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, कगिसो रबाड़ा और अर्शदीप सिंह, ये फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी दोस्तों पंजाब की टीम की तरफ से। अगर बात करें इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा खिलाड़ी रिसेंट में किस प्रकार की बैटिंग करके आ रहा है, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों किस प्रकार से विकेट लेके आ रहा है, तो उस हिसाब से हम प्लेयरों को सिलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से दोस्तों ट्रंप प्लेयर निकालेंगे कि कौन सा खिलाड़ी आज के मैच में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले दोस्तों ओपनिंग बैट्समैन जॉनी बेस्टो रीसेंट वाले मैच में फ्लॉप है, फिर यहां पर 46 रन, 108 रन नाबाद, फिर दोस्तों यहां पर 15 रन का परफॉर्मेंस, हेड टू हेड में काफी खतरनाक बैटिंग होती है, 5 मैचों में 261 रन बना चुका है, 52 का एवरेज स्कोर है, काफी बढ़िया बैटिंग करता है दोस्तों यहां पर आरसीबी के सामने। लेकिन ग्राउंड पे एक ही मुकाबला खेला था जिसमें यह खिलाड़ी फ्लॉप था, आईपीएल फॉर्मेट में 36 का एवरेज स्कोर है, और रिसेंट के दोस्तों 2 मैचों में काफी बढ़िया बैटिंग भी है। ओपनिंग बैट्समैन है और लगभग विकेट कीपर ऑप्शन है, तो विकेट कीपिंग में दोस्तों आप इस खिलाड़ी को ट्राई करके चल सकते हो। अगर पंजाब की टीम यहां से मैच को विन करके
करके जाएगी तो जोनी बेस्टो का सबसे बड़ा योगदान देखने को मिलेगा। यानी कि जोनी बेस्टो दोस्तों लगभग 60 से 70 रन बना के जाएगा, इंपोर्टेंट प्लेयर है, विकेट कीपिंग के पॉइंट करके देगा, प्लस में ओपनिंग बैट्समैन है, अगर 10-12 रन भी निकालता है तो भी दोस्तों ड्रीम टीम में आराम से देखने को मिल जाएगा। उसके साथ प्रभा सिमरन सिंह रिसेंट वाले कुछ मैचों से दोस्तों कंटिन्यू ड्रीम टीम में है, यहां पर 35 रन, फिर 54 रन, फिर 13 रन, 30 रन, हेड टू हेड में 3 मैचेस खेले हुए हैं, 78 रन है, 26 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे 18 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल में 22 का एवरेज स्कोर है। तो लगभग ओवरऑल अगर इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो दोस्तों ये खिलाड़ी आज के मैच में फिर से 20 रन या फिर 22 रन या फिर मैक्सिमम 30 रन से ज्यादा निकाल के नहीं देगा। और अगर आपको लगता है कोई और खिलाड़ी है वो इतना परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो आप उसकी जगह विकेट कीपर ऑप्शन प्रभा सिमरन सिंह को ट्राई करके चल सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आज के मैच में रायली ऋषभ को ट्राई करके चलूंगा। रिसेंट वाले मैच में ये खिलाड़ी फ्लॉप है, उसके बाद 43 रन का परफॉर्मेंस, फिर दोस्तों यहां से 26 रन का परफॉर्मेंस। अगर कोई भी खिलाड़ी दोस्तों पहले मैच में जीरो पे आउट होता है तो वो अगले मैच में कमबैक करेगा, यानी कि कुछ बड़ा स्कोर करके दे सकता है। हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला था, 35 रन इस खिलाड़ी ने बनाए थे, ग्राउंड पे दोस्तों 82 रन है, आईपीएल फॉर्मेट में 20 का एवरेज स्कोर है। मैं दोस्तों यहां से रायली ऋषभ को ट्राई करके चलूंगा। इसके साथ साथ शशांक सिंह भी मेरी टीम में रहेगा, जो कि ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है, रिसेंट में 27 रन, फिर 25 रन नाबाद, फिर 68 रन नाबाद, फिर 8 रन, उसके बाद 41 रन, हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले हुए हैं, 29 रन है, ग्राउंड पे 27 रन है, आईपीएल में दोस्तों 42 का एवरेज स्कोर है, काफी शानदार बैटिंग कर रहा है दोस्तों शशांक सिंह, और इस खिलाड़ी को जरूर ट्राई करके चलना है। अगर दोस्तों इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस की बात करें तो एक मैच में दोस्तों ये खिलाड़ी वॉइस कैप्टन भी देखने को मिल चुका है। उसके साथ दोस्तों बात करेंगे सैम करन की, तो सैम करन रिसेंट के कुछ मैचों से फ्लॉप चल रहा है, ओनली 1 विकेट से ज्यादा दोस्तों इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को नहीं मिली है। तो यहां पर भी 20 रन 1 विकेट, फिर यहां पर फिर से 1 विकेट, यहां पर ओनली बैटिंग से परफॉर्मेंस किया जिसमें 26 रन नाबाद बनाए थे, उसके बाद रिसेंट में सीएसके के सामने 7 रन 1 विकेट। बाकी दोस्तों कुछ पीछे के मैचों में इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया था, जैसे कि 6 रन 2 विकेट और 30 रन 2 विकेट, तो उस मैचों में दोस्तों ये खिलाड़ी आराम से कैप्टन बना के जा सकते थे। लेकिन अभी रिसेंट के मैचों के हिसाब से बात करें तो ये खिलाड़ी आपको कभी भी ट्रंप प्लेट देखने को मिल सकता है। हेड टू हेड में दोस्तों 6 मैचों में 6 विकेट है, ग्राउंड पे 4 विकेट है, आईपीएल में 55 विकेट है, 23 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। लेकिन शशांक सिंह यहां से सैम करन के परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें, प्लस में खिलाड़ी के अगर सिलेक्शन की बात करें तो दोस्तों इस खिलाड़ी का लगभग हाई सिलेक्शन ही देखने को मिलता है, और ऑलराउंडर में लगभग हर मैच में दोस्तों ये खिलाड़ी ड्रीम टीम में देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि कंप्लीट 4 ओवर करवाएगा, प्लस में अगर इस खिलाड़ी की बैटिंग देखने को मिलती है तो बैटिंग से भी दोस्तों 10-12 रन आराम से ये खिलाड़ी दे देता है। उसके साथ जितेंद्र शर्मा रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में फ्लॉप है, हेड टू हेड में दोस्तों 77 रन है, ग्राउंड पे 44 रन है, 22 का एवरेज स्कोर दोस्तों आईपीएल में है। मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप ही करके चलूंगा क्योंकि कंटिन्यू ये खिलाड़ी ड्रीम टीम से बाहर है। उसके साथ दोस्तों आशुतोष शर्मा पिछले कुछ 2 मैचों से इस खिलाड़ी की बैटिंग देखने को नहीं मिली थी, अभी रिसेंट में सीएसके के सामने ओनली 3 रन का परफॉर्मेंस, फिर यहां पर फिर से 3 रन, फिर 61 रन, 31 रन, 33 रन नाबाद, हेड टू हेड में पहला मैच है, ग्राउंड पे दोस्तों 3 रन है, लेकिन आईपीएल में 32 का एवरेज स्कोर है। कुछ मैचों में दोस्तों काफी बढ़िया बैटिंग भी की थी यहां पर आशुतोष शर्मा ने, लेकिन आप शशांक सिंह को ही ट्राई करके चलना क्योंकि इस खिलाड़ी की बहुत ही कम चांसेस है कि बैटिंग देखने को मिले। उसके साथ हरप्रीत बरार रिसेंट वाले मैच में 17 रन नाबाद, प्लस में 0 विकेट, हेड टू हेड में दोस्तों काफी बढ़िया बॉलिंग है, 6 मैचों में 8 विकेट ले चुका है, ग्राउंड पे दोस्तों 0 विकेट है, लेकिन आईपीएल में 24 विकेट इसके पास है। रिसेंट में 1 मैच में 2 विकेटों के साथ भी परफॉर्मेंस किया था, लेकिन दोस्तों इस खिलाड़ी का क्या है, 1 विकेट भी ले लेता है तो बैटिंग भी ये खिलाड़ी कर लेता है। अगर बाई चांस बैटिंग देखने को मिल जाती है पंजाब किंग्स के इन खिलाड़ियों की या फिर इन बॉलर की, तो दोस्तों ये खिलाड़ी लगभग 20-22 रन आराम से लेके दे सकता है। उसके साथ दोस्तों हर्षल पटेल आज के मैच में फिर से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, रिसेंट में 3 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड में भी 3 विकेट है, ग्राउंड पे 3 विकेट है, आईपीएल में 128 विकेट है, और कगिसो रबाड़ा रिसेंट वाले मैच में फ्लॉप है, लेकिन दोस्तों हेड टू हेड में काफी बढ़िया एवरेज स्कोर है क्योंकि 8 मैचों में 18 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है, ग्राउंड पे दोस्तों 2 विकेट है, आईपीएल में 117 विकेट है। बहुत ही लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है कगिसो रबाड़ा क्योंकि रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में दोस्तों फ्लॉप है, लेकिन हेड टू हेड में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, 8 मैचों में 18 विकेट दोस्तों कगिसो रबाड़ा ने निकाली हुई है, कंफर्म 2 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस करेगा। अगर आपने इस खिलाड़ी को ट्राई किया है और आपकी टीम में ये खिलाड़ी कंफर्म
ट्रम्प प्लेयर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों अर्शदीप सिंह के बहुत ही कम चांसेस हैं कि आज के मैच में कुछ बड़ा परफॉर्मेंस करके दे, क्योंकि हेड टू हेड में दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लोप है, ओनली 4 ही विकेट है, ग्राउंड पे 3 विकेट है। 72 विकेट दोस्तों आईपीएल में अर्शदीप सिंह ने निकाली हुई है। ये दोस्तों फाइनली पंजाब किंग्स के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके स्टार्टिंग और डेथ में जो खिलाड़ी बॉलिंग करवाता है, स्टार्टिंग में कगिसो रबाड़ा, अर्शदीप सिंह, सैम करन, हरप्रीत बरार। डेथ में दोस्तों आपको हरप्रीत बरार देखने को नहीं मिलेगा, इसके जगह आपको हर्षल पटेल, सैम करन और राहुल चहर, ये दोस्तों टोटल 4-4 खिलाड़ी स्टार्टिंग प्लस डेथ में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों इनके बेंच प्लेयरों की, तो टोटल दोस्तों यहां से 6 इंपैक्ट प्लेयर हैं। राहुल चहर रीसेंट के कंटिन्यू मैचों में परफॉर्मेंस, हेड टू हेड में 6 विकेट है, ग्राउंड पे 4 विकेट है, 73 विकेट आईपीएल में है। और दोस्तों यहां से पंजाब की टीम की तरफ से भी आपको एक स्पिनर लेके चलना है, और यहां से आरसीबी की टीम से भी दोस्तों आपको एक स्पिनर लेके चलना है, क्योंकि दोनों टीमों में एक एक स्पिनर दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा। इधर से आप राहुल चहर को ट्राई करके चल सकते हो। बाकी आरसीबी के खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे, उनमें से दोस्तों कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होगा, बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल के बारे में। तो शिखर धवन दोस्तों 3 बार आउट हो चुके हैं ग्लेन मैक्सवेल के सामने, एक बार दोस्तों यहां से सिराज, एक बार लोकी फर्गुसन, जोनी बेस्टो को एक बार सिराज, एक बार लोकी फर्गुसन, परभा सिमरन सिंह को एक बार ग्लेन मैक्सवेल, रायली ऋषभ को एक बार यहां से करण शर्मा, एक बार दोस्तों यहां पर अलजारी जोसफ, जितेश शर्मा को एक बार यहां से मोहम्मद सिराज, लिविंगस्टोन को एक बार ग्लेन मैक्सवेल, एक बार सिराज, एक बार फर्गुसन, एक बार अलजारी जोसफ। तो दोस्तों ये टोटल 6 खिलाड़ियों का प्लेयर बैटल देखने को मिलेगा, और ये प्लेयर बैटल दोस्तों काफी खास होने वाला है, क्योंकि मोहम्मद सिराज आज के मैच में कुछ बड़ा परफॉर्मेंस करके देगा। रिसेंट में दोस्तों उसका फॉर्म भी कमबैक हो चुका है, और रिसेंट में कंटिन्यू विकटे भी लेके जा रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। ओपनिंग बैट्समैन दोस्तों ड्यूप्लेसी, उसके साथ विराट कोहली, उसके साथ दोस्तों यहां पर विल जैक्स, फिर रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरोन ग्रीन, फिर दोस्तों यहां पर दिनेश कार्तिक, एस सिंह, करण शर्मा, यश दयाल और मोहम्मद सिराज। ये फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी आरसीबी की टीम की तरफ से। अगर बात करें दोस्तों इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा खिलाड़ी क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों ड्यूप्लेसी की बात करें, आज के मैच में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होने वाला है, कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी में ट्राई करके चल सकते हो। रीसेंट के कुछ मैचों से दोस्तों खतरनाक बैटिंग कर रहा है ये खिलाड़ी, एक मैच में 64, यहां पर भी 62, फिर 25 और एक में 24, फिर यहां पर 7 रन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेड टू हेड का रिकॉर्ड काफी खतरनाक है, 18 मैचों में 57 के एवरेज स्कोर से बैटिंग करता है पंजाब के सामने, ग्राउंड पे पहला मैच है, लेकिन आईपीएल में दोस्तों 38 का एवरेज स्कोर है। उसके साथ साथ दोस्तों विराट कोहली की बात करें, तो विराट कोहली ने भी रिसेंट वाले मैच में 42 रन बनाए थे, फिर 70 रन नाबाद, फिर 51 रन, 18 रन, उसके बाद 42 रन। हेड टू हेड में दोस्तों 31 मैचेस खेल चुका है, ठीक ठाक एवरेज स्कोर है, 33 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे ये खिलाड़ी फ्लोप था, आईपीएल फॉर्मेट में 38 का एवरेज स्कोर है। लेकिन आज के मैच में दोस्तों ड्यूप्लेसी को कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टन जरूर ट्राई करके चलना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हेड टू हेड में काफी खतरनाक बैटिंग करता है। और यहाँ पर दोस्तों सीवीसी के अगर सिलेक्शन के हिसाब से बात करें, तो ड्यूप्लेसी का बहुत ही लो सिलेक्शन देखने को मिलेगा। उसके साथ दोस्तों विल जैक्स की बात करेंगे, रीसेंट वाले मैच में 1 रन है, उसके बाद 100 रन नाबाद, फिर 6 रन, 1 विकेट, 55 रन, 7 रन, 0 विकेट, हेड टू हेड और वेन्यू पे पहला मैच है, ग्राउंड पे दोस्तों इस खिलाड़ी ने पहला मुकाबला अब अपना खेलने वाला है। अगर आईपीएल फॉर्मेट की बात करें तो 44 का एवरेज स्कोर है, प्लस में 2 विकेट है। विल जैक्स की बात करें तो वॉइस कैप्टनसी में दोस्तों बहुत ही बढ़िया च्वाइस है, यहां पर विल जैक्स का लो सिलेक्शन है कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी में आज के मैच में, क्योंकि पिछले मैच में ये खिलाड़ी बिल्कुल फ्लॉप था, और आज के मैच में दोस्तों आप ग्रैंड लीग टीम में बीसी में ट्राई करके चलना है। उसके साथ रजत पाटीदार रीसेंट वाले मैच में फ्लोप है, फिर बैटिंग नहीं, 50 रन, 52 रन, 9 रन, 50 रन, रजत पाटीदार ट्रंप प्लेयर होगा, हेड टू हेड में 75 रन है, ग्राउंड पे पहला मैच है, आईपीएल में दोस्तों 32 का एवरेज स्कोर है। यहां पर विल जैक्स को भी पिक करके चल सकते हो। अगर आपने रजत पाटीदार को ड्रॉप किया है, क्योंकि आपके लिए एक ऑप्शन और है, यहां से ग्लेन मैक्सवेल, जो कि दोस्तों रीसेंट के कुछ मैचों से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने नहीं किया था, लेकिन आज के मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है, क्योंकि हेड टू हेड में लगभग विकेटों के साथ इस खिलाड़ी ने 3 विकेटें निकाली हुई है, और प्लेयर बैटल में नाम भी देखने को मिला है, तो शायद 1 विकेट ये खिलाड़ी ले सकता है, प्लस में दोस्तों बैटिंग से भी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करके देगा। टोटल 107 रन है, ग्राउंड पे फ्लोप है, आईपीएल फॉर्मेट में 36 विकेट है, 26 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, 2755 रन दोस्तों यहां से ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए हुए हैं। अगर आपने रजत पाटीदार को ड्रॉप किया है, तो यहां से ग्लेन मैक्सवेल को पिक करके चलना है, क्योंकि ये दोस्तों आपके लिए डबल ऑप्शन पे रहेगा कि बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस करके देगा,
उसके साथ साथ बैटिंग अगर इस खिलाड़ी की देखने को मिलती है तो बैटिंग से भी अगर मिनिमम 4 रन भी निकालता है तो भी दोस्तों कुछ पॉइंट इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप यहां पर दोनों में से एक खिलाड़ी को ही ट्राई करके चलना है। उसके साथ कैमरॉन ग्रीन दोस्तों सीबीसी में काफी अच्छा चॉइस होगा क्योंकि ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा। रिसेंट वाले मैच में 1 रन 1 विकेट है, हेड टू हेड में 2 विकेट ले चुका है, 31 का एवरेज स्कोर बैटिंग से होता है पंजाब के सामने। आईपीएल फॉर्मेट में 13 विकेट कंप्लीट है, 37 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। तो यहां पर दोस्तों कैमरॉन ग्रीन जो कि हाई सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है ड्रॉप करके तो चलना ही नहीं है। उसके साथ दोस्तों दिनेश कार्तिक को ड्रॉप करके चल सकते हो। इस खिलाड़ी के बहुत ही कम चांसेस रहेंगे कि बैटिंग देखने को मिले। रीसेंट वाले मैच में 21 रन नाबाद है, फिर यहां पर बैटिंग नहीं, 11 रन 25 रन 83 रन उसके बाद 53 रन हेड टू हेड में दोस्तों 30 मैचों में 32 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे 12 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल में दोस्तों 28 का एवरेज स्कोर है। लेकिन इनसे भी ज्यादा ट्रंप प्लेयर या फिर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो देखने को मिल सकता है यहां पर एस सिंह आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी देखने को मिलेगा क्योंकि रीसेंट वाले मैच में 15 रन नाबाद प्लस में 0 विकेट, फिर यहां पर 1 विकेट, फिर 12 रन 2 विकेट। रीसेंट के कुछ मैचों से दोस्तों इस खिलाड़ी ने अभी डेब्यू किया है और अब रीसेंट में काफी बढ़िया भी परफॉर्मेंस कर रहा है ये दोस्तों। इसने रीसेंट के 3 मैचेस खेले हैं और तीनों मैच दोस्तों आरसीबी की टीम ने विन किए हैं। ये खिलाड़ी कंप्लीट 2 से 3 ओवर जरूर करवाएगा, प्लस में दोस्तों बैटिंग देखने को मिलती है तो बैटिंग से भी परफॉर्मेंस करके देगा। ऑलराउंडर है, पिक करके चलना है और ये खिलाड़ी दोस्तों आपके लिए ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होगा। हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है, आईपीएल में 4 विकेट ले चुका है, 10 का एवरेज स्कोर दोस्तों बैटिंग से है, लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, ड्रॉप करके नहीं चलना है। उसके साथ दोस्तों करण शर्मा रिसेंट वाले मैच में 1 विकेट के साथ परफॉर्मेंस, फिर यहां पर फ्लॉप है, हेड टू हेड में 5 विकेट, ग्राउंड पे पहला मैच, 73 विकेट दोस्तों यहां पर आईपीएल में है। यश दयाल रिसेंट वाले मैच में 2 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस किया, हेड टू हेड में 1 ही विकेट है, आईपीएल में दोस्तों 23 विकेट ले चुका है। यश दयाल को ट्राई करके चल सकते हो, करण शर्मा को अभी के लिए दोस्तों मैं ड्रॉप ही करके चलूंगा। उसके साथ साथ मोहम्मद सिराज रिसेंट के कुछ मैचों में दोस्तों कमबैक किया है, कंटिन्यू परफॉर्मेंस है, 2 विकेट 1 विकेट, यहां पर 1 में फ्लॉप गया था, फिर यहां पर 1 विकेट है, हेड टू हेड में दोस्तों 10 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में 86 विकेट यहां से मोहम्मद सिराज ने निकाली हुई है। तो यहां से दोस्तों मोहम्मद सिराज इंपोर्टेंट प्लेयर होगा। इसके साथ साथ दोस्तों एस सिंह आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर होगा और इसके साथ साथ दोस्तों यहां से आपके लिए जो एक इंपोर्टेंट प्लेयर यश दयाल के साथ वो ट्राई करके चल सकते हो। बाकी दोस्तों यहां से स्टार्टिंग और डेथ में जो खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, स्टार्टिंग में एस सिंह, मोहम्मद सिराज, यश दयाल, कैमरॉन ग्रीन और डेथ में दोस्तों विजय कुमार। उसके साथ दोस्तों यहां से आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद सिराज, फिर यश दयाल और करण शर्मा। ये दोस्तों टोटल 4-4, 5-5 खिलाड़ी स्टार्टिंग प्लस डेथ में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर बात करें इनके इंपैक्ट प्लेयर या फिर बेंच प्लेयरों के बारे में, विशक विजय कुमार रिसेंट वाले मैच में 2 विकेट के साथ परफॉर्मेंस किया था लेकिन हेड टू हेड में फ्लॉप है, ग्राउंड पे पहला मैच है, आईपीएल में 13 विकेट ये खिलाड़ी ले चुका है। बाकी दोस्तों आकाशदीप अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, हेड टू हेड में 1 ही विकेट है और यहां से आईपीएल में 7 विकेट दोस्तों यहां पर इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है। बाकी यहां से कोई भी खिलाड़ी अगर अपडेट होता है वो अपडेट दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल के बारे में। तो कगिसो रबाडा के लिए मैं इसलिए बोल रहा था, प्लेयर बैटल में लगभग हर खिलाड़ी के सामने कगिसो रबाडा टॉप पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले डुप्लेसी 3 बार आउट कर चुका है, यहां से कगिसो रबाडा 15 बॉल में ओनली 16 रन। हर्षल पटेल दोस्तों यहां से 2 बार, 1 बार सैम करन, 1 बार अर्शदीप, 1 बार राहुल चहर। विराट कोहली को दोस्तों यहां से 3 बार आउट कर चुका है कगिसो रबाडा, 2 बार सैम करन, 2 बार हरप्रीत बरार, 2 बार हर्षल पटेल, 1 बार दोस्तों यहां पर राहुल चहर। और रजत पाटीदार को 1 बार हरप्रीत बरार और 1 बार दोस्तों यहां से राहुल चहर। ग्लेन मैक्सवेल को 4 बार हरप्रीत बरार आउट कर चुका है, 2 बार कगिसो रबाडा, 2 बार राहुल चहर, 1 बार हर्षल पटेल। और दिनेश कार्तिक को भी दोस्तों 3 बार यहां से कगिसो रबाडा, 3 बार अर्शदीप सिंह, 2 बार राहुल चहर, 1 बार हर्षल पटेल। तो लगभग दोस्तों 3 खिलाड़ी जो कि बार बार सुनने में आ रहा है, हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह और उसके साथ साथ दोस्तों राहुल चहर, ये 4 बॉलर हैं पंजाब की टीम से और ये 4 के 4 बॉलर दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि सैम करन यहां पर भी है, यहां पर भी सैम करन है। बाकी दोस्तों यहां पर आपको सैम करन देखने को नहीं मिलेगा, ओनली 2 ही प्लेयर बैटल में सैम करन का नाम है और सैम करन डुप्लेसी को 1 बार आउट कर चुका है, विराट कोहली को 2 बार। बाकी दोस्तों यहां से सभी जो बॉलर हैं जैसे रबाडा और यहां से हरप्रीत बरार की बात करें तो हरप्रीत बरार का 1 तो यहां है, 1 यहां और
और एक यहाँ पे देखने को मिलेगा। हरप्रीत बरार तीन प्लेयर बैटल में है और यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल के सामने काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, 17 बॉल में 18 रन दिए हैं, प्लस में 4 बार आउट कर चुका है। बाकी दोस्तों यहाँ से इंपोर्टेंट जो बॉलर होंगे पंजाब की टीम से जिनका लो सिलेक्शन है उनके बारे में बात करें तो हरप्रीत बरार, कगिसो रबाडा, राहुल चहर का हाई सिलेक्शन है, प्लस में हर्षल पटेल का भी हाई सिलेक्शन है, अर्शदीप सिंह का थोड़ा बहुत लो सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से दोस्तों प्लेयर बैटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप एक जीएल की टीम बना रहे हो तो। उसके साथ साथ दोस्तों फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी जोनी बेस्टो, शशांक सिंह, सैम करन, हर्षल पटेल, इधर से डुप्लेसी, विराट कोहली, विल जैक्स और यहाँ से दोस्तों कैमरोन ग्रीन। अगर यहाँ से बात करें ट्रंप प्लेयरों की तो कगिसो रबाडा, रायली ऋषभ, इधर से दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज। रायली ऋषभ के बारे में बताया था रिसेंट में फ्लोप है, आज के मैच में कुछ बड़ा स्कोर करके देने वाला है और इन चार के चार खिलाड़ियों को दोस्तों ड्रॉप करके नहीं चलना है। और बाकी दोस्तों अभी तक अगर आपने माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ₹1 में अगर 5 मेगा कॉन्टेंट ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से दोस्तों फटाफट से माई 11 सर्कल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और यहां पे दोस्तों आप अपनी बनाएं यूनिक ग्रैंड लीग टीम, ₹1 में ज्वाइन करें 5 मेगा कॉन्टेस्ट। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर मिनिमम फर्स्ट प्राइज आपको ₹1 करोड़ का देखने को मिल जाएगा और इसके साथ साथ दोस्तों 20% एक्स्ट्रा कैश भी दे रही है यहां पर माई 11 सर्कल एप्लीकेशन। 200 में 240, 500 में 600, 1000 में 1200 और ₹1500 का वेलकम बोनस। काफी बढ़िया एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जल्दी से दोस्तों डाउनलोड कर लेना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की मेरी जो फाइनल फैंटेसी टीम होंगी उनमें दोस्तों क्या कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहां पर जोनी बेस्टो की जो कि मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में ट्राई किया हुआ है। यहां से विराट कोहली, शशांक सिंह, डुप्लेसी को दोस्तों इस टीम में मैंने इसलिए ड्रॉप किया है क्योंकि प्लेयर बैटल थोड़ा सा खराब है कगिसो रबाडा के सामने और इसके साथ साथ दोस्तों विल जैक्स है, यहां पर कैमरोन ग्रीन, हर्षल पटेल, सैम करन, अर्शदीप, हरप्रीत बरार, राहुल चहर और नीचे दोस्तों मोहम्मद सिराज। यहां पर ओनली राहुल चहर है, अगर बैटिंग से कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस होता है तो ये टीम दोस्तों वर्क करने वाली है जिसमें विल जैक्स, कैमरोन ग्रीन वॉइस कैप्टनसी में बिल्कुल सेफ, सैम करन कैप्टनसी में दोस्तों विराट कोहली, डुप्लेसी, रायली ऋषभ, शशांक सिंह, जोनी बेस्टो और इधर से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा प्रभा सिमरन सिंह। ये टोटल दोस्तों दो फैंटेसी टीम है और इनमें से दोस्तों अगर खिलाड़ियों को चेंज करने पड़े अगर अपनी यूनिक ग्रैंड लीग टीम में तो यहां से आप जो ड्रॉप करके चल सकते हो रायली ऋषभ को ड्रॉप कर लेना एक टीम में, बाकी ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है, उसके साथ साथ दोस्तों प्रभा सिमरन सिंह को ड्रॉप कर लेना, यहां पर आपको बॉलर ऐड करके चलने हैं। बाकी दोस्तों एक टीम में आप थोड़ा सा अगर यूनिक कॉम्बिनेशन बना रहे हो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो यहां से दोस्तों आप सैम करन को ड्रॉप करके चल सकते हो, बाकी दोस्तों एक टीम में आप यहां पर शशांक सिंह को ड्रॉप कर लेना या फिर और थोड़ा सा रिस्की कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो प्लेयर बैटल के हिसाब से दोस्तों विराट कोहली को भी ड्रॉप करके चल सकते हो क्योंकि प्लेयर बैटल में दोस्तों यहां से विराट कोहली का बिल्कुल लगभग लगा लो कि कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल और इसके साथ साथ हरप्रीत बरार, राहुल चहर सबके सामने प्लेयर बैटल इस खिलाड़ी का खराब है। बाकी दोस्तों डुप्लेसी इसको भी ड्रॉप करके चल सकते हो और इनकी जगह दोस्तों आप बॉलिंग सेक्शन जैसे हर्षल पटेल और नीचे अर्शदीप सिंह और इसके साथ साथ दोस्तों राहुल चहर या फिर दोस्तों यहां से एस सिंह ऑलराउंडर है वो खिलाड़ी आप ट्राई करके चल सकते हो। ये दो फाइनल फैंटेसी टीम रहेंगी, बाकी दोस्तों अपडेट आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।